गाइस वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। दिस इज मोहम्मद अलियास एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो इस वक्त मैं बैठा हूँ हलीम चने खाने के लिए एक होटल में। यहाँ पे सुना है बहुत ज़्यादा रश होती है और काफ़ी आसपास आपको अगर टेबल नज़र आ रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे बैठे हैं। तो अभी यहाँ के देखते हैं कितने ज़्यादा हलीम चने जो हैं कितने मज़ेदार हैं। हलीम चने निहारी पाए के हवाले से बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। तो आज मैं ट्राई करने जा रहा हूँ हलीम चने और एक उबला हुआ अंडा जो है वो प्लेट के साथ होता है, तो ट्राई करते हैं। तो सालन इनका इस वक्त आ चुका है मेरे सामने है, जो कि चने हैं, हलीम हैं और इसमें बॉयल एग है और साथ में इन्होंने नींबू दिया है और हरा मिर्च भी इसमें ऐड थी। और काफ़ी जो है चने जो हैं इनके ख़ास तौर पे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार थे, यूनिक स्पाइसी। और हलीम इतनी कुछ ख़ास अच्छी नहीं थी, लेकिन चने जो थे वो कम भी थे और ज़्यादा स्पाइसी भी थे। तो मैंने इस पर लीमू निचोड़ के जो है इसको इंजॉय करते हुए खाया और बड़े ज़बरदस्त चने हैं ये। शमसाबाद में इनका जो है होटल है। बड़ा ज़बरदस्त थी हलीम चने जो ट्राई किए हैं, काफ़ी फिट थे। और हलीम चने में सबसे मज़े के जो थे वो चने थे, ऊपर बस थोड़ा सा ये था धड़ा मिर्च डली हुई थी, लेकिन टेस्ट जो था बहुत ज़्यादा अच्छा था। और उससे मज़े की बात, मेरा बिल आपके ख्याल से कितना बना होगा, 200-300-400 नहीं, पूरा पेट भर के खाना खाया और टोटल जो है वो 100 रुपया बना, 100 रुपीज़ चार्ज। तो काफ़ी मतलब कहने के रीज़नेबल रहा है। तो पीछे ड्राइवर जो है आपस में लड़ने लग गए थे। तो बस ये है कि हलीम चना काफ़ी मज़े का था और एग भी इसमें ऐड था, तो 100 रुपये में इतना सस्ता खाना। नहीं तो कहीं पे भी एक टाइम का खाना कहीं ऑर्डर वगैरह कर दूँ या कहीं पे आगे जाके खा लूँ तो 500-1000 तो कहीं गया ही नहीं है। मैंगो के दो जो हैं, दो कप ले लिए। आइसक्रीम जो है स्वीट। आफ्टर लंच जब मैं एक्सरसाइज शुरू कर दूंगा तो मैं ये सारी चीज़ें छोड़ दूंगा। ऐसा डायलॉग मैं रोज़ बोलता हूँ, रोज़ सोचता हूँ, लेकिन काफ़ी अरसे से अभी 3-4 साल हो गए हैं वर्क नहीं कर रही डाइट प्लानिंग। लें जी एक खा लिया अभी, ये दूसरे की जो है मैं वीडियो बना रहा हूँ। आइसक्रीम जो है बहुत खाते खाते याद ही नहीं रहा, टेस्टी है। आज जो है खाना जो है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आया। ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया है, मेरे ऑफिस के करीब ही है, मुझे किसी ने बताया था कि आप यहाँ से ट्राई करें, क्योंकि पराठे बाहर से खा खा के मैं थक जाता हूँ। जब घर से खाना नहीं लाता तो पराठे लाने पड़ते हैं और पराठे जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा काम ख़राब करते हैं। तो इस वजह से मैंने सोचा इसी को ट्राई करते हैं।